आप देख सकते हो। आप कह रहे हो कि बहुत ऊपर से कर रहा है, ले भाई नीचे से कर देते हैं। ये देखो ये है बस, और ये यहाँ पे फास्ट मोड, कर्व मोड। तो यहाँ पे कर्व मोड दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये आपको अभी SMDO में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक टाइप सी आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, मे बी इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पर आप इसको अगर देख सकेंगे आई गेस, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं देवतन अग्रवाल। जैसे कि आपको पता है कि मैं नए नए गैजेट यूज़ करता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई तरह की मशीनें पसंद है और उनको यूज़ करना पसंद है। और मेरा मानना ये है, और मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं कि मैं कपड़ों में कम, जूते मोजे इन सब में कम, और टूल में ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ, क्योंकि इसी से सीखने मिलता है। क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि आपसे सारा काम हो रहा है, तो फिर आप एक जगह स्टक हो जाते हो। पर अगर आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नए नए टूल यूज़ करते हो, तो आपको आगे बढ़ने का चांस मिलता है। नहीं तो फिर आप दूसरे लोगों को सिर्फ आगे बढ़ते हुए देखो लाइफ में, क्योंकि कर तो सारे काम सभी रहे, बट हो सकता है कि किसी नए टूल से कोई काम और बढ़िया से हो जाए। तो जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे या उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ये चाइना बेस्ड एक मशीन है जो मैंने शेंजेन सिटी से बुलवाई है, और चेंग यांग इनके कंपनी के ओनर हैं या फाउंडर हैं, क्या पता, और बेसिकली ट्रेनर होंगे वो मे बी। तो ये मैंने फ़िलहाल रामराज टूल, रामराज ने इंपोर्ट किया है डायरेक्ट चाइना से, ख़ास तौर पे एक सिर्फ मेरे लिए। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी मैंने काफ़ी दी है। ये जो मुझे पड़ा लगभग 750 RMB, आप मान के चल सकते हैं। और जो मुझे, क्योंकि मैंने बाय एयर बुलवाई है, तो मुझे लगभग, तो जितने की मशीन है उतने का मैंने कुरियर चार्ज दिया है। मान सकते हैं कि ये मुझे लगभग, चलिए प्राइस क्या बताना, पर आप ये अप्रॉक्स मानिए कि ये मेरा टॉय है। और मुझे बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि क्या ज़रूरत है, एक 5 यार्ड की SMD से भी काम हो सकता है, ठीक है। तो उनके कमेंट्स पर मैं कभी नहीं जाता, मैं लोगों की सोच में कभी नहीं जाता। और जैसे कि वो अपने खाली वक्त पे रील देखते हैं, इन्जॉयमेंट वाली चीज़ जाते हैं, क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैं अपना इन टॉय से खेलता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे सीखने को मिलता है, और ये वो कभी नहीं सोच सकते और वो कभी समझ नहीं सकते। इसलिए लोग क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, किस दिशा में मूव करना है, वो आपका सबसे मेन टारगेट है। आइए इसको खोलते हैं, और काफ़ी दिनों से मैं एक्साइटेड था इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि चाइना से जो पार्सल आता है कुछ इस तरह का रहता है, हालांकि इसको पहले खोल लिया गया था इंडिया में। चलिए, तो ये कैटलॉग है इसका, मैनुअल। इस SMD का, इस SMD, बेसिकली SMD का जो, अगर हम विदेशी टर्म की बात करें, टेक्निकल करें, तो रिवॉक स्टेशन कहते हैं। SMD सरफेस माउंट डिवाइस, रिवॉक वर्क स्टेशन, रिवॉक स्टेशन YCS, और ये मॉडल नंबर है, ये है R1। और ये एक डिजिटल SMD है, इसका जो मेन्यू है काफ़ी डिजिटलाइज है। और यही देखना है, यही समझना है कि ये क्या बेहतर है, क्या इसके अंदर है खूबियाँ। तो ये Part 2 में मैं आपको बताऊँगा वीडियो, कि पहले मैं इसको यूज़ करूँगा। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसको सिर्फ काम करते हुए देखा है, पर जब मैं यूज़ करूँगा तो आई गेस कि मुझे पता चलेगा कि ये कितनी सही है, कितनी नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ से एड्रेस है इसका, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी। तो मशीन कुछ इस तरह की आएगी। सबसे पहले नोज़ल के बारे में देख लेते हैं। ये नोज़ल मिला है मुझे,
तो आप ये देख सकते हो बारीक नोजल कंपोनेंट के लिए, और आपने शायद ही इस तरह का नोजल देखा होगा, आई गेस। मुझे कमेंट करके बताना देखा है कि नहीं देखा है। ये देखिए, ये नोजल देख रहे हो आप, और ये डायरेक्ट नोजल है, ठीक है। तो टोटल 4 नोजल मिल रहे हैं मुझे, ओके। ये नोजल भी कुछ इस तरह का है, ठीक है। और ये है मेन नोजल जिससे मुझे काम करना है, ICYC का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने मुझे नोजल यहाँ पर मिले हैं। ये थोड़ा इससे बड़ा है। अब इसका साइज़ क्या है ये कैटलॉग देख कर पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है, खाली आप देखिए कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये 4 नोजल मुझे मिले हैं, ठीक है। अब हम मशीन देख लेते हैं कि मशीन में बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर है खास। और मेरे को ये कोई भाग दौड़ भी नहीं है कि ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, वर्ल्ड फर्स्ट फलाना निकाल, क्योंकि ये पहले 2017-18 में जब वीडियो बनाते थे तब अच्छा लगता था, अब नहीं। तो आप देख सकते हैं, अभी मशीन को मैं ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह का इसका पैनल यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब इसमें मॉडल नंबर यहाँ लिखा है R1YCS, और कुछ चाइनीज से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार जैसे कार के अंदर आपके मेन्यू होते ना, और इस तरह का कार जैसा एक डिज़ाइन बना हुआ है मैनुअल मल्टीमीटर के जैसा। यहाँ पे कुछ चैनल्स है, यहाँ पर सेटिंग भी है, और ये देखिए यहाँ से इसको हमें पहले इसका लैंग्वेज चेंज करना है। ये देखो, तो लैंग्वेज चेंज हो गया है फाइनली। आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में हो चुकी है। तो अब यहाँ पर सब कुछ बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है और क्लियर है। ये हीट मोड है, साउंड है, यूनिट है, स्लीप फ्लो है, कैलिब्रेट दिया हुआ है। एक बार बटन दबाना होता है मेन्यू बटन जाने के लिए। ये स्लीप फ्लो है, फिर इसके बाद कैलिब्रेट है, हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं जैसे कि जो फर्स्ट टाइम मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होम पेज है, तो सिर्फ इतना ही है यहाँ पर। साउंड है, आप साउंड को बंद कर सकते हो। यूनिट है, आपको किस में देखना है सेल्सियस या फैराड। लैंग्वेज है, ठीक है, ये है बस। और ये यहाँ पे फास्ट मोड, कर्व, यहाँ आप देख सकते हैं एक टाइप सी आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, मे बी इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि कंप्यूटर से साथ कनेक्ट भी हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी मुझे पता नहीं है, मैं इसको यूज़ करूँगा SMD को। बढ़ाया तो आप देख सकते हैं ये अभी 200 पे सेट है, 200 एयर है या 200 हीट है। अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, तो ये यहाँ पे कुछ चैनल भी सेट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप इसको अगर देख सकेंगे आई गेस, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है काफ़ी अलग है, जैसे स्पायरल होता है ना उस तरह का, मे भी हो सकता है। अभी मैं इसको अच्छे से टेक्निकली पढ़ूंगा। देखिए अभी ये स्लीप मोड पे चला गया है, यहाँ पर स्लीप लिखा हुआ है, और अभी ये कर्व मोड में है क्योंकि हमने यहाँ पे कर्व मोड डाला है। स्टैंडर्ड 3 तरह के मोड हैं उसमें,
फास्ट मोड, कर मोड, स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। और हो सकता है इसके अंदर और भी खूबियाँ हो और इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एक हफ्ते काम करने के बाद, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कोई भी चीज़ नहीं जानने के लिए बेसिकली ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बट विदाउट ट्रेनिंग मैं इसको लेकर आया हूँ। तो खुद से चलाते या इसके मैनुअली या कंपनी की वेबसाइट में जा जाके पढ़ के इसको देख लेंगे, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो सेट है, F1 200 है और ये हम यहाँ से इसको राइज कर सकते हैं। जैसे हम देखें F2 क्या है, तो F2 यहाँ पर 200 और 300 है और यहाँ पे 200 और 400 है। जैसे हम इसको राइज कर देते हैं और 475 ये कर दिया और ये दबा दिया तो सेव हो गया। अब मेरा जो ये हो गया ये 475 है और इसको हम कम करेंगे इसको एयर को, तो एयर यहाँ से कम होगी और इसको 200 करेंगे, आई मीन 100। तो अब आप देख सकते हैं अब मेरी जो सेटिंग हो गई है वो 475 और 100 की हो गई है। और देखता हूँ इसमें थोड़ा काम करके कि क्या मेरा बोर्ड, देखो मशीन कोई भी हो बोर्ड तो सारे फूटने हैं, आप देख सकते हो। आप कह रहे हो कि बहुत ऊपर से कर रहा है, ले भाई नीचे से कर देते हैं। ये देखो, तो आप देख सकते हो कि बुक पर सारी चीज़ डिटेलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। कूलिंग मोड है, एयर फ्लो, टेम्परेचर, हीटिंग, ठीक है। यहाँ पर चैनल दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें अलग कोई चीज़ नहीं है। अपग्रेड, अब देख जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपको वो टाइप सी क्यू दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर दिखा है अपग्रेड मोड, सो उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर टाइप सी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ अब यहाँ पर दी है। सो यहाँ पर एयर फ्लो रेट और एयर फ्लो रेंज यहाँ पर दिया है, डायमेंशन इसका दिया, वेट दिया है लगभग 2 kg की है, टेम्परेचर रेंज दिया है और इसमें क्या खास है जो मैं आपको पढ़ के समझा सकता हूँ अगर बुक की हम बात करेंगे तो। एयर फ्लो सेटिंग है, सिस्टम मेन्यू सेटिंग है, यहाँ पर हीट मोड दिया हुआ है आप देख सकते हो, रेस्ट डस्ट यहाँ पे देखो सारी चीज़ दी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसको समझने के लिए कि बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। साउंड कुछ स्लीप मोड एयर फ्लो दिया है और टेम्परेचर कैलिब्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये डायरेक्ट चाइना से आई है। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैलिब्रेशन यहाँ पर किस तरह से होगा। प्रोग्राम अपग्रेड भी बता रहे हैं कैसे यहाँ पर प्रोग्राम अपग्रेड होता है, ठीक है, प्रोग्राम अपग्रेड भी यहाँ पर बता रहे हैं। रिप्लेसिंग द हीटर, अगर अंदर का कॉइल वॉइल आपका चेंज करना हो तो ये भी बता रहे हैं हीटर कैसे चेंज होगा इसका, है ना। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। और वारंटी कार्ड, और भैया ये इनकी वारंटी कार्ड है, अब पता नहीं ये वारंटी में है या नहीं है ये पता नहीं, और ये वापस इंग्लिश में आ गई। तो चलो ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है पर इस मशीन के अनबॉक्सिंग है, इस मशीन को हम यूज़ करेंगे लगभग 1-2 हफ्ते, उसके बाद इसका प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और एक कोई बढ़िया सा CPU करेंगे इसके साथ। और CPU तो नॉर्मल है, वो तो किसी मशीन के साथ कर सकते हैं, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको पसंद आएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलो थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।